इंतकाम की आग में जलते इसराइल ने फिलिस्तीन के गाजा शहर को सपाट कर दिया है। इतने बम, रॉकेट और मिसाइल्स बरसाई हैं कि गाजा मलबे में तब्दील हो गया है। इसराइल के हमलों में फिलिस्तीन के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि 5600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन फिलिस्तीन और हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम खा चुका इसराइल यही नहीं रुकेगा। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इसराइल ने लगातार छठे दिन हमास के ठिकानों पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था जिसमें आतंकी संगठन हमास के 200 से अधिक ठिकाने तबाह हो गए। गाजा के अलफुरकान इलाके को बारूद से नेस्तनाबूद कर दिया गया। अलफुरकान से ही हमास इसराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देता था। यही नहीं, बुधवार को इसराइली सेना ने हमास के 18 आतंकियों को मार गिराया। इजरायली फौज हमास के नेताओं और ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। हमास आतंकियों के आशियाने तबाह किए जा रहे हैं। ताज़ा हमलों में हमास के कमांडर अबू शमाला के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने गाजा के वित्त मंत्री अबू शमाला को मार गिराया। यही नहीं, हमास राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू अहमद जकारिया मुअम्मर भी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजरायली सेना के आक्रोश से बचने के लिए आतंकी संगठन हमास बंधक बनाए गए इजरायलियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है ताकि इजरायल पूरी तरह ताकत के साथ हमला ना कर सके और जंग के बाद इजरायल की जेल में कैद फिलिस्तीनियों को इसके बदले छुड़ाया जा सके। लेकिन इसराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा बल्कि इस बार उसे पूरी तरह तबाह करके ही दम लेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने रेड लाइन खींचते हुए बता दिया कि ये जंग कब खत्म होगी। We are fighting with all our strength, on all fronts. We went on the offensive. Every Hamas member is a dead man. Hamas is ISIS, and it will be crushed and eliminated just as the world crushed and eliminated ISIS. वहीं 1973 के बाद इसराइल में हमास के खिलाफ वॉर कैबिनेट या कहीं यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। यूनिटी गवर्नमेंट ऐसी सरकार होती है जिसमें सभी पार्टियां शामिल होती हैं। ये जंग के वक्त बनती है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक वॉर कैबिनेट में 3 सदस्य हैं। पीपल ऑफ इसराइल, टुनाइट वी क्रिएटेड अ नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट। इसराइल इज यूनाइटेड एंड टुनाइट इट्स लीडर्स आर यूनाइटेड टू। दरअसल इसराइल एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा बदलने की तैयारी में है। वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को पूरी तरह तबाह कर उस पर काबिज होने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो शायद यही वजह है कि इसराइल की सरकार ने आतंकी संगठन हमास के सर्वनाश की सौगंध ले ली है। एक तरफ वो हमास के आतंकवादियों, नेताओं और उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमास को घुटनों पर लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। दरअसल इसराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए उसकी कमर तोड़ने का तगड़ा प्लान बनाया है जिसके तहत उसके हथियार और गोला बारूद रखने के अड्डों को तबाह किया जा रहा है। गाजा पट्टी में बिजली, पानी, तेल और खाद्य सामग्री की सप्लाई रोक दी गई है। सार्वजनिक अस्पतालों में हमास आतंकियों के इलाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा इसराइल गाजा पट्टी के अंदर घुसने की तैयारी भी कर रहा है। इसराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जबकि इसराइल कभी भी अपनी सेना के साथ गाजा में इच्छानुसार प्रवेश करने का अधिकार रखता है। वो गाजा क्षेत्र के भीतर नो गो बफर जोन बनाए रखता है। हालांकि इसराइल के हाथों बुरी तरह पिट रहे हमास ने इस पर गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है कि गाजा बगीचा नहीं, यहाँ घुसना महंगा पड़ेगा। हमने इसराइल में अपने 1200 लड़ाके भेजे थे। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इसराइली सैनिकों की तैनाती से हम नहीं डरते। जबकि इस गीदड़ भभकी के बावजूद इसराइल युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। युद्ध का ये अगला चरण कब शुरू होगा इस पर कैबिनेट फैसला करेगी। लेकिन माना जा रहा है कि इस चरण में इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पट्टी में प्रवेश कर हमास का समूल नाश करने की रणनीति पर अमल कर सकती हैं। 1987 में बना हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। इस्माइल हनिये इसका मुखिया है। इसराइल के अलावा अमेरिका समेत कई देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित भी कर रखा है। 2007 से हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। अरसे से हमास इसराइल पर हमले करता रहा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग होती है। जबकि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ हैं इज़ अद्दीन अल कासिम।
पॉलिटिकल विंग की कमान इल्हानिया के हाथों में है। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर है, जिसके लिए एक सोशल विंग भी है। हमास का मकसद इसराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना है जहां ज्यादातर फिलिस्तीनी है। हमास एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है, लेकिन इस बार उसने इसराइल पर हमला कर बड़ी गलती कर दी। इसका खामियाजा उसे तबाह होकर भुगतना पड़ेगा। इसराइल हमास युद्ध के बीच आज वाराणसी में एक विशेष पूजा अर्चना की गई। इसराइल में अमन शांति की कामना करते हुए वाराणसी में मां गंगा की विशेष पूजा की गई। हाथों में इसराइल का झंडा लेकर काशीवासियों ने युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसराइल हमास युद्ध के बहाने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। ट्रंप ने युद्ध के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ट्रंप सरकार के कार्यकाल में दुनिया में ज्यादा शांति थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान को संभवतः पहले से पता था कि हमास इसराइल पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन ईरान को हमले के वक्त और पैमाने की जानकारी नहीं थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर यह आकलन जारी किया है। हालांकि ईरान की भूमिका की जांच करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमने वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जिससे यह पता चले कि ईरान ने हमले का समर्थन किया था या हमले के पीछे था। हमारा अनुभव हमें बताता है कि इस मुद्दे पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। ईरान ने अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इन जलजले वीरानगर توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم قاسب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها. حالانکه ایران کا کہنا ہے کہ کرور اسرائیلی شاسن پر حملہ کرنے والوں پر اسے گرو ہے۔ ईरान को हमले का पता था या नहीं, इस सवाल के बीच अमेरिका की एक संसदीय समिति ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। इसके मुताबिक इसराइल को हमले की खुफिया जानकारी 3 दिन पहले ही दे दी गई थी और ये जानकारी इसराइल के पड़ोसी देश मिस्र ने दी थी। We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. पश्चिम एशिया संकट को लेकर अमेरिकी सांसदों के लिए बंद दरवाजे में एक खुफिया ब्रीफिंग रखी गई थी। इस बैठक के बाद ही माइकल मैकॉल ने यह खुलासा किया। वहीं एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की खुफिया एजेंसी ने एक अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मिस्र ने बार बार इसराइल को चेतावनी दी थी कि गाजा की तरफ से कुछ बड़ा करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन मिस्र की सूचना को इसराइल ने अनदेखा कर दिया। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इन रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर उसने इसराइल के खिलाफ कोई हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में अमेरिका के यहूदी नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान कही। बाइडेन ने किसी भी हरकत के लिए ईरान को सावधान किया। We're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition, interceptors to replenish the Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region, and made it clear to the Iranians, be careful. बाइडेन ने इसराइल पर हमास के हमले वाले दिन को हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन बताया। वहीं गाजा पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों पर ईरान का ताजा बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसराइल पर जनसंहार का आरोप लगाया है और कहा कि गाजा की घेराबंदी सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। गाजा में इस समय बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई काट दी गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसराइल के हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं रूस ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने की पहल की है। Смысл с военной точки зрения. Первое. Второе, это может быть как элемент. हमास पर इसराइल के बढ़ते हमलों के खिलाफ दो पुराने और कट्टर दुश्मन भी साथ आते दिख रहे हैं। कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच फोन पर बात हुई।
जिसमें दोनों ने इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर गंभीर चर्चा की। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक बुधवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास ईरान से फोन आया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया था। दोनों ने गाजा और उसके आसपास के मौजूदा जंगी हालात पर चर्चा की। मोहम्मद बिन सलमान ने रईसी को बताया कि सऊदी अरब वर्तमान तनाव को रोकने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने पर सऊदी प्रतिबद्ध है। ईरान की प्रेस एजेंसी IRNA ने भी मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईसी के बीच फोन पर बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध अपराध को खत्म करने की जरूरत पर चर्चा की। इसराइल हमास जंग सऊदी अरब और इसराइल के बीच सुधरते रिश्तों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों के बीच नजदीकियों को बढ़ाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरू की थी, जिसके बदले सऊदी अरब को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी और सिविलियन परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में मदद मिलती। लेकिन हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग ने सऊदी इसराइल की नजदीकियों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। सिर्फ ईरान ही नहीं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से भी फोन पर बात कर फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा की है। दूसरी तरफ चीन की मध्यस्थता के बाद मार्च में सऊदी अरब और ईरान के बीच भी संबंधों की बहाली हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि अगर इसराइल फिलिस्तीन युद्ध और बढ़ता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सऊदी अरब, ईरान और तुर्की आपस में सहयोग कर कोई कदम उठा सकते हैं। अमेरिका हमास के साथ युद्ध लड़ रहे अपने सबसे करीबी दोस्त इसराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। हमास ने जिन इसराइली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया है उन्हें छुड़ाने में अमेरिका भी मदद करेगा। इसके लिए अमेरिका स्पेशल फोर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के खूंखार कमांडो गाजा में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देंगे और हमास ने जिन आम नागरिकों को बंधक बनाया है उन्हें रेस्क्यू करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। One of our highest priorities, of course, is the safety and well-being of American citizens, and that will continue to be among our highest priorities. हमास के आतंकियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बना रखा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेवन ने कहा है कि अमेरिका बंधकों को छुड़ाने के लिए इसराइल के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि वो सभी लापता लोगों को खोज निकालेगा। At the same time, we have a number of Americans who remain unaccounted. We are working very closely with the government of Israel to determine their whereabouts and if they have been taken hostage by Hamas to work to secure their release. अमेरिका जिन स्पेशल फोर्स के कमांडो को गाजा में ऑपरेशन के लिए उतारने वाला है वो हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिकी कमांडो गाजा में इजरायली सेना के साथ जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। हमास ने 150 से अधिक लोगों को बंधक बनाया है, इनमें 95 इजरायली नागरिक हैं। इजरायल अमेरिका अपने नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन हमास इस पूरे मामले में झुकने को तैयार नहीं। हमास के एक टॉप कमांडर ने बंधकों को लेकर इजरायल और अमेरिका को साफ साफ संदेश भी दिया है। अपने बयान में हमास के टॉप कमांडर इज्जत अल रिशेक ने कहा है कि बंधकों की अदला बदली करना जल्दबाजी होगी। रिशेक ने कहा कि बंधकों को लेकर तभी चर्चा करेंगे जब इसराइल की हमास के खिलाफ आक्रामकता खत्म हो जाएगी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने गाजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों की तत्काल रिहाई की अपील की है। I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages. वहीं नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि निर्दोष नागरिकों की जान के नुकसान को रोकने के लिए जो भी संभव हो वो किया जाना चाहिए। हमास और इसराइल के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव पहुंचकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन की इस यात्रा का मकसद इसराइल को हर संभव मदद पहुंचाना है। इसलिए अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि वो इसराइल के नागरिकों के समर्थन में खड़ा है। Not since ISIS have we seen this kind of depravity, and we will continue to stand very resolutely against it. ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि इसराइल को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो मदद चाहिए वो उसे मिले। President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region to make very clear our intent to deter anyone contemplating any further aggression against Israel. अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के साथ खड़े होने के लिए अमेरिका को थैंक यू बोला है। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि हमास को कुचल दिया जाएगा। אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאש. ראינו ילדים וילדות, ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם,
אנשים ונשים. वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम हमास की हरकत से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. हमास इजराइल के बीच जंग से रूस को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबे समय से हथियार, गोला बारूद और आर्थिक मदद दे रहे हैं। लेकिन अब जबकि इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, तो अमेरिका अपना फोकस यूक्रेन के बजाय इसराइल पर शिफ्ट कर रहा है। You don't want to be trying to bake in long-term support when you're at the end of the rope. अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि वो जल्द ही यूक्रेन को फंडिंग देना बंद कर देगा। I mean, today we announced $200 million. And we'll keep that aid going as long as we can, but it's not going to be indefinite. जाहिर है अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार और फंडिंग देना बंद करता है, तो रूस के साथ जंग में वो पिछड़ जाएगा, पर इसका सीधा फायदा रूसी राष्ट्रपति पुतिन को होगा। गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ मिसाइल, रॉकेट्स और बम बरसा रहे इसराइल के पास गोला बारूद का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। इस युद्ध में इसराइल का साथ दे रहा अमेरिका भी गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी से जूझ रहा है। साथ ही इसराइल के पास दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल की भी किल्लत है। इसराइल की मुश्किल को देखते हुए अमेरिका का एक जहाज दो दिन पहले गोले बारूद का जखीरा लेकर तेल अवीव पहुंचा था। हालांकि अमेरिका खुद भी गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि वो पहले ही हथियार और गोले बारूद का एक बड़ा स्टॉक यूक्रेन को मदद के नाम पर दे चुका है। अमेरिका के सामने दुविधा ये है कि अगर वो यूक्रेन को गोला बारूद भेजेगा तो इसराइल कमजोर पड़ सकता है। इस हालात को भांपते हुए इसराइल ने इसी साल अगस्त में एलबीट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm तोप के 10 लाख गोले बनाने का ऑर्डर दिया था। साथ ही इसराइल ने M107A3 तोप के गोले खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसराइल को फाइटर प्लेन से गिराए जाने वाले GBU-39 बम की कमी हो सकती है। साथ ही 122 mm तोप के गोले और मोर्टर की भी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसराइल ने अभी तक अपने 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को हमास के खिलाफ जंग में उतार दिया है। आपातकालीन युद्ध की स्थिति में सेना को मजबूत करने के लिए इसराइल में रिजर्व आर्मी है। इस बीच इसराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने भी इजरायली डिफेंस फोर्सेज की रिजर्व बटालियन को ज्वाइन कर लिया है। उन्हें IDF कैंप में रिजर्व सैनिकों के बीच देखा गया। नफ्ताली बेनेट इजरायली सेना में कमांडर रह चुके हैं। इसराइल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। इस वजह से कई दूसरे राजनेताओं ने भी इजरायली सेना की अपनी अपनी यूनिटों को ज्वाइन किया है। इसराइल के पास करीब 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि उसके पास 1.5 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। नेतन्याहू की शपथ पूरी करने के लिए दुनिया भर में बसे इजरायली नागरिक अपने मुल्क लौट रहे हैं। वतन वापसी कर रहे इजरायली नागरिक अपनी देश की सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने को आतुर दिखे। राजस्थान के पुष्कर से भी कुछ इजरायली नागरिक अपने मुल्क लौट गए हैं, लेकिन लौटने से पहले इजरायली नागरिकों ने कहा कि इस बार वो हमास का फाइनल हिसाब करना चाहते हैं। Some of our friends are still kidnapped in Gaza by Hamas. We don't know where they are and what's going to be with them. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के धर्मकोट में रहने वाले कई इजरायली नागरिक भी अपने वतन लौट रहे हैं। भारत में रहने वाले इजरायली नागरिक देश के लिए दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं। The situation is not easy. Right now in Israel, Hamas kidnapped, killed, raped women, kids. It's never happened before. देश सेवा का ये जज्बा इजरायली नागरिकों को अपने देश की ओर खींच रहा है। इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच कई दर्दनाक कहानियां भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है इसराइल की बख्तरबंद कोर की महिला सैनिक नामा बोनी की।
19 साल की नामा बोनी हमास के हमले में घायल हो गई थी, जिसके बाद उसने किसी तरह छिपने का एक ठिकाना ढूंढा और अपने परिवार को आखिरी संदेश भेजा। बोनी ने लिखा, मुझे आप सभी की बहुत चिंता है, मेरे सिर में चोट लगी है, आसपास मौजूद कोई भी आतंकवादी मुझ पर गोलीबारी शुरू कर सकता है, मैं इस समय गोलानी ब्रिगेड के घायल सैनिक के साथ हूं और कोई अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं है। हमास के हमले के वक्त नामा बोनी आर्मी बेस के एंट्री गेट पर तैनात थी। आतंकी हमले के बीच बोनी ने एक और दर्दनाक मैसेज अपने परिवार को भेजा था, मैं किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुन सकती हूँ और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मारा गया है। नामा बोनी सिर्फ 7 महीने पहले इजरायली सेना में भर्ती हुई थी। हमले में घायल होने के बाद बोनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। इस बीच मिस्र ने गाजा के नागरिकों को अपने देश में शरण लेने से रोकने के लिए राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इजरायली हमले और ब्लॉकेट से बचने के लिए फिलिस्तीनियों के लिए यही एक रास्ता था, जिसे मिस्र ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। मंगलवार को मिस्र से कई ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा जाने के लिए रफाह बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। मिस्र ने गाजा के शरणार्थियों को सुरक्षित गलियारा देने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का कहना है कि मिस्र इस मुद्दे को दूसरों की कीमत पर निपटाने की अनुमति नहीं देगा। राफा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा की सीमा है। इसराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा के करीब 23 लाख निवासियों के लिए राफा ही एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। यहां से वो मिस्र में शरण लेना चाहते हैं। घनी आबादी वाला गाजा समुद्र से और इसराइल से घिरा हुआ है। इसराइल ने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी की हुई है। इसराइल ने गाजा में बिजली, पानी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई बंद कर दी है। इसराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, जिसके तहत पहली चार्टर्ड फ्लाइट आज रात इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और उन भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लेकर लौटेगी जो देश वापस आना चाहते हैं। इसराइल हमास जंग के बीच भारत ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी है, जिसकी पहली चार्टर्ड फ्लाइट आज रात 9 बजे इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना होगी। जानकारी के मुताबिक इसराइल में रहने वाले 230 भारतीय ऑपरेशन अजय के तहत पहली फ्लाइट से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भारत के लिए रवाना होंगे। Passengers and come back tomorrow morning. We expect, I think, it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping. Can fill it up, but depending. Look, this number is broad. ऑपरेशन अजय के तहत कई फेज में भारतीयों को इसराइल से निकाला जाएगा, जिसके लिए इसराइल में मौजूद भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीयों की जानकारी जुटा रहा है। Would request Indians in Israel, if you haven't registered with the embassy, please do register with the embassy. But we are taking it based on the number of flights. So today's flights, we have the numbers that are there, and depend we will have more flights depending on the demands. भारत ने इन चार्टर्ड फ्लाइट्स की व्यवस्था उन लोगों के लिए की है जो इसराइल से लौट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जंग के हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रोक दी हैं। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय हैं, जिनमें छात्र, नौकरी पेशा, हीरा व्यापारी और आईटी सेक्टर के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने दूसरे देशों में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई ऑपरेशन चलाया है। जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिक संकट में फंसे हैं, भारत सरकार उनको सुरक्षित घर लाई है। इसी साल अप्रैल में सूडान में गृह युद्ध के बीच भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था और वहां फंसे 4,097 लोगों को बाहर निकाला था, जिनमें 136 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। रूस यूक्रेन जंग के दौरान भारत ने फरवरी 2022 में ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया और यूक्रेन में फंसे 18,282 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए तो वहां के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 669 लोगों को वहां से निकाला। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड की जानलेवा लहर की चपेट में थी, तब भारत ने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया और अलग अलग मुल्कों से 3,992 लोगों को बाहर लाया गया। 2015 में भारत ने ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया था, जिसके तहत नेपाल में आए भूकंप के बाद 170 विदेशी नागरिकों समेत 5,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया था। 2015 में भी भारत ने यमन सरकार और हैती विद्रोहियों की जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया था और यमन में फंसे 5,600 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला था। इसराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमले बोल रहा है और इस बीच जी न्यूज की टीम वहां मौजूद है, जो इसराइल की सीमा के दोनों तरफ के फर्क को आंखों से देख पा रही है। एक तरफ इसराइल गाजा बॉर्डर के उस तरफ मौजूद हमास के अड्डों पर हमले कर रहा है, तो वहीं इसराइल की सीमा के अंदर लोगों को हमास के हमलों से बचाने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए रेडीमेड जो बंकर्स हैं उनको लाया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ पर मदद के लिए सेना के लिए पहुंचे हैं उन्हें किसी भी आपात स्थिति में इन बंकर्स में जगह दी जा सके।
इसराइल में दुश्मन के हमलों का खतरा बरकरार रहता है, सो वहाँ बंकरों का होना भी आम है। लेकिन इस वक्त हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब वहाँ पहले से तैयार बंकरों को क्रेन की मदद से जहाँ तहाँ रखा जा रहा है। इसराइल के लिए ये तैयारियाँ क्यों जरूरी हैं? इसकी एक और तस्वीर तब दिखी जब जी न्यूज की टीम गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी। इस पूरे सड़क पर चारों तरफ हमको कारतूस फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। गोलियां जो चलाने के बाद निकलती हैं वो सड़क पर आपको पड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। ये तस्वीरें काफी भयावह हैं, दर्दनाक हैं। 7 अक्टूबर को यही गोलियां मासूम लोगों पर हमास के आतंकियों ने बरसाई थी। गाजा बॉर्डर के इस तरफ इसराइल ने जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। हालात ये हैं कि बॉर्डर पर फेंसिंग के अलावा जो एक दीवार दिख रही है वो इजरायली सेना और टैंकों की है जो हमास के अड्डों पर गोले दाग रही है। ये तस्वीर गाजा बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर दूर की है जहां जी न्यूज की टीम मौजूद थी और तभी वहां सेना की गाड़ियों की हरकत दिखाई दी। जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनका मूवमेंट बहुत तेज हो गया है गाजा पट्टी की तरफ, और साथ ही यहां टैंक मौजूद हैं इजरायली सेना के जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ आसमान में रॉकेट दगने के बाद जो धुएं हैं उनको भी यहां से देख पा रहा हूं, क्योंकि गाजा पट्टी 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है यहां से जहां पर मैं मौजूद हूं। जैसे ही जी न्यूज की टीम वहां से आगे बढ़ने लगी तभी धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजरायली सेना ने यहां पर अपना अस्थायी कैंप गाजा बॉर्डर के पास बना लिया है, अपने टैंक तैनात कर दिए हैं, और साथ ही टैंकों की तैनाती के अलावा यहां पर आप जब देखेंगे तो बहुत सारे जो मिलिट्री यहां पर उनके जवान हैं वो आपको तैनात दिखाई पड़ेंगे। धमाके कंटिन्यू हो रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर इसराइल की सैन्य तैनाती से ये साफ है कि वो अब हमास के हमले का इंतजार नहीं करेगी। इसराइल के चाहे शहर हो गांव हो इस वक्त सब छावनी में तब्दील हो गए हैं। जितने इंतजाम नागरिकों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं उतने ही गाजा बॉर्डर पर हमास से बदला लेने के लिए भी किए जा रहे हैं, जिसकी ताजा तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे में उस वक्त रिकॉर्ड हुई जब हमारी टीम गाजा बॉर्डर पर इसराइल के एक गांव से होकर गुजर रही थी। यहां पर आप टैंक का मूवमेंट देख रहे हैं बहुत तेजी से, बड़ी संख्या में यहां इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी है और साथ ही ये यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अब टैंक का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। ये किबुत्ज बेरी का इलाका है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बीते 24 घंटे में इसराइल की सेना ने बॉर्डर पर जबरदस्त तैनाती बढ़ा दी है जो हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का संकेत है। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में कल P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। G20 के सफल आयोजन के बाद कल पीएम मोदी P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 10 और देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस के दोषी आरिज खान को फांसी नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। आरिज खान पर दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। मध्य प्रदेश के मंडला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में आम आदमी को परेशान किया गया और उनके अधिकारों को छीना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की और आदि कैलाश के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने 4000 करोड़ रुपए के ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। और इस दौरान पीएम मोदी खास कपड़े पहने नजर आए। उनके साथ राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पार्वती कुंड पहुंचे जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा की। पार्वती कुंड में पूजा के दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से भक्ति में डूबे नजर आए। उन्होंने आरती की और डमरू भी बजाया। पार्वती कुंड में करीब 25 मिनट तक पूजा करने के बाद वो कैलाश व्यू पॉइंट पहुंचे और वहां से आदि कैलाश के दर्शन किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहां ध्यान भी लगाया। पार्वती कुंड में पूजा और आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की और लिखा कि पार्वती कुंड में पूजन और आदि कैलाश के दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप का महामुकाबला होने वाला है। इस महामुकाबले के में भारत और पाकिस्तान की टीम शामिल होंगी और वो दोनों ही टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं। आज शाम पाकिस्तान की टीम जब प्रैक्टिस के लिए निकली तो पूरे रास्ते में इतनी सख्त सुरक्षा दिखी मानो उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया हो।
भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने में ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। इस वक्त हम उस्मानपुरा में मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई है और आप देख सकते हैं पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस के लिए रवाना हो रही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जा रही है और आप देखिए पूरी टीम इसमें मौजूद है टीम बस में और पूरा जो इलाका है वो खाली करवा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इमामुल हक बैठे हुए हैं, शादाब खान बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की टीम बस रवाना हो गई है। जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ आप देखिए लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर और लोगों ने थोड़ी देर पहले नारे क्या लगाए, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा के नारे लगे। एक एम्बुलेंस है, एक लंबा कॉन्वॉय है, गाड़ियाँ हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी सुरक्षा पाकिस्तान की टीम को दी गई है। Z News.